क्यों विवियन और अविनाश ने की बिग बॉस के घर में बगावत, कौन बना घर का अगला टाइम गॉड। टाइम गॉड बनने के बाद दिग्विजय को बिग बॉस से मिली कौन सी स्पेशल पावर। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला सभी का पसंदीदा रियलिटी शो बिग बॉस 18 में आपको देखने को मिलेगा काफी ही हाई वोल्टेज ड्रामा। बता देंगे जहां पर कल घर में टाइम गॉड को लेकर टास्क हुआ था, जिसमें 5 कंटेस्टेंट ईशा सिंह, करणवीर मेहरा, तजिंदर बग्गा, दिग्विजय राठी और अविनाश मिश्रा के बीच मुकाबला हुआ। ऐसे में दिग्विजय राठी ने टाइम गॉड का टास्क जीत लिया, जिसके बाद अब घर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में बिग बॉस 18 के मेकर्स ने लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया है। इसमें अविनाश मिश्रा और विवियन डिसेना दिग्विजय राठी के टाइम गॉड बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे में इन दोनों कंटेस्टेंट ने कसम खाई है कि जब तक दिग्विजय घर का टाइम गॉड है, तब तक वो घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। ऐसे में दिग्विजय ने भी दोनों की ये बगावत देखने के बाद दोनों का खाना बंद करवा दिया है, जिसके चलते रसोई में खड़े विवियन के हाथ से दिग्विजय ने खाना तक छीन लिया। ऐसे में विवियन भी अपनी जिद पर डटे रहे। उन्होंने दिग्विजय को अपना टाइम गॉड वाला समय याद दिलाया, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि जिसने मेरे टाइम गॉड पीरियड में बुरा हाल किया था, तो अब वो भी वही करेंगे। जहां एक तरफ विवियन ने अपना ये दमखम दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर अविनाश ने भी दिग्विजय के टाइम गॉड के पीरियड में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है दिग्विजय वर्सेस विवियन और अविनाश। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो का एक और नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जहां पर रवि किशन के शो में जब तजेंद्र सिंह बग्गा से घर में कुछ नहीं करने पर सवाल पूछे गए, तो करणवीर ने मौके का फायदा उठाते हुए तजेंद्र सिंह बग्गा को घर में खाली बैठे रहने के लिए टॉन्ट मार दिया। ऐसे में बग्गा भी जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन करणवीर उनकी एक नहीं सुनते और उल्टा बग्गा को ही चुप करवा देते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो का एक और नया प्रोमो रिलीज किया गया था, जहां पर बिग बॉस घर के मौजूदा टाइम गॉड यानी कि दिग्विजय को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उन्हें एक स्पेशल पावर देते हैं। बता दें कि दिग्विजय को बिग बॉस टाइम लाइन चेंज कर कशिश को नॉमिनेशन से सेव करने की पावर देंगे, जिसके चलते दिग्विजय कशिश को नॉमिनेशन से सेव करने का बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही दिलचस्प होगा कि जब दिग्विजय की इस दरिया दिल्ली के बारे में कशिश को पता चलेगा, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या हो जाएगी दोनों के बीच फिर से दोस्ती की शुरुआत, या होगा कुछ अलग। क्या होगा आगे शो में नया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।